साहब एक मिनट को बोल देते साहब तुम्हें इतने येऊन साहब तुम्ही इथे या ना खुद येऊन बघा खुद नाही स्वतः स्वतः ओहो साहब तुम्ही स्वतः येऊन देखा म्हणजे बघा द हॉस्पिटल इज रनिंग व्हेरी वेल सर इट्स फंक्शनिंग व्हेरी वेल ओके ओके थैंक यू साहब अब क्या है सिस्टर रूथ सर आपने अभी अभी कहा ना तो हॉस्पिटल इज रनिंग वेरी वेल एब्सोल्युटली रॉन्ग सर ऐसा हो ही नहीं सकता इस औरत के होते हुए हॉस्पिटल ठीक से चल ही नहीं सकता इनफैक्ट इट कैन नॉट रन एट ऑल क्या बात है देवयानी साहब इसको है ना स्कूल में भर्ती करवा दो जब देखो तब शिकायत ही करती है चमची कहीं की बिहेव योरसेल्फ देखा सर सर द वे शी बिहेव्स एंड द वे शी टॉक्स विद मी सर मैंने अपने कानों से सुना है ये सारे हॉस्पिटल को भड़काती रहती है सबसे अमृता केस को लेकर डिस्कशंस एंड मीटिंग्स करती रहती है देवयानी मैंने सख्त ऑर्डर्स दिए हैं ना सारे स्टाफ को साहब मैंने अमृता केस के बारे में कुछ बताया नहीं क्या झूठ बोल रही हो व्हाट लाइज शी इज टेलिंग सर सर मैंने अपने कानों से सुना है ये वार्ड नंबर 7 के पेशेंट्स को डरा रही थी ये बोलकर कि अब देखना मुंशी जी को क्या सजा मिलेगी ये होगा वो होगा कह रही थी कि नहीं तो डब्बू की डब्बू ही है सब साहब मैं तो पेशेंट को ये बता रही थी कि अपराधी मुंशी है और ये बताकर पेशेंट का हॉस्पिटल के प्रति भरोसा बढ़ा रही थी सच्ची अपराधी पकड़ा गया जेल में है सजा की राह देख रहा है ये सुन के पेशेंट को डर लगेगा या चैन की सांस लेंगे और सर आप ही बताइए अपराधी पकड़ा गया ये जानकर आपके सर से भी भला टली ना क्या मतलब है तुम्हारा मतलब ये सर कि ये महारानी सारे हॉस्पिटल को ये कहती फिर रही हैं कि अमृता के रेप को लेकर आप पर भी शक था तीसरी कक्षा सबसे पहले तू ही इन पे शक कर रही थी नो हाँ उस रात हैंडग्लव पहने हुए आदमी का तूने पीछा किया था उसी रात अली साहब ने भी वैसे ही हैंडग्लव पहने थे तो तेरा मतलब नहीं मैं सर दैट वाज जस्ट अ मेस हां डैड 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 चा चा क्या तू तू मैं कर रही है क्यों बोलती बंद हो गई बोल ना वैसे देवयानी की बात गलत नहीं है रूथ सबसे ज्यादा शक तो तुम्हें मुझ पर ही था गुड 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 कौन है कौन है Please, 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 please,
सपना देखा तूने, चल समझ जा अपने आप को। अमो अमो बेटा अमो क्या मैं अब सो जाए, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं करेगा वो, अपने घर में कैद होकर बैठा है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नॉट एनी मोर, रिलैक्स रिलैक्स। श्वेता ये देखो, ये कार्ड कैसा लग रहा है? अच्छा है मगर थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं है? हाँ। भाभी एक मिनट, ये देखिए ये कैसा है? अच्छा है लेकिन थोड़ा सा सिंपल है। भाई हमारे रोहित भाई साहब की शादी है, कार्ड थोड़ा एलोबरेट तो होना चाहिए कि नहीं, है ना रोहित? भाभी अगर कार्ड थोड़ा सा सीधा साधा हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि बख्शी फैमिली ने अपने बड़े बेटे की शादी में तो इतना खर्चा किया, इतने पैसे उड़ाए, और अब देखो। ऐसी फालतू बातें करने वाले लोगों की परवाह क्यों करें हम? दिल से स्टूपिड थिंग्स एनीवे। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? भाभी जो कह रही है वो ठीक ही तो है, सुनना तो उन्हीं को पड़ेगा ना। ठीक है फिर सोने चांदी के कार्ड छपा कर इन्वाइट कीजिए आप लोगों को। रोहित अच्छा बस तुम बताओ हम कौन सा कार्ड सिलेक्ट करें? जो जी में आए कीजिए। Come on, रोहित ये कोई बात हुई? रहने दीजिए भाभी, ये कार्ड सिलेक्ट नहीं करना चाहता तो forget it, हम फोन पर ही लोगों को इनवाइट कर लेंगे। श्वेता वेट, श्वेता प्लीज, क्या I'm sorry, चलो मैं कार्ड सिलेक्ट करता हूँ okay? मुझ पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा मैं पूरी दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ करूंगा कार्ड सिलेक्ट, बस। देखा इतने सिंपल से तो बात थी, और तुम हो के अमृता की फिक्र में उलझकर हम पर गुस्सा करने लगते हो। क्या और नहीं तो क्या, तुम इस वक्त अमृता की फिक्र नहीं कर रहे हो? श्वेता वो तो सिर्फ अच्छा छोड़ो, तुम ऐसा करो जल्दी से एक कार्ड पसंद कर दो, और हाँ अच्छा सा आर्टिस्टिक सा कार्ड पसंद करना जिसे देखकर अमृता भी खुश हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि जब हम अमृता के घर जाएंगे तब। नहीं मैं नहीं जा रहा अमृता के घर। क्यों नहीं जाओगे? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा और अमृता का रिश्ता टूटा नहीं है, उसने एक नया मोड़ ले लिया है। श्वेता अगर हम अमृता के घर गए तो वो समझेगी कि? कुछ नहीं समझेगी वो, बात हो गई है मेरी उससे, हम उसके घर जा रहे हैं, दैट इज फाइनल। श्वेता व्हाई डोंट यू हैव सम बिस्किट्स, मैंने बनाया है। पर इन पर तो ब्रिटानिया लिखा है ना? That's right. ये बिस्किट्स ब्रिटानिया के ही है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ खींचने के लिए कहा। अमृता मैंने तुम्हारा स्टेटमेंट पढ़ा, इट्स हार्ड हिटिंग बट करेक्ट। उस आदमी को जो भी सजा दी जाए वो कम है। You know what, श्वेता? वो स्टेटमेंट मैंने दे तो दिया लेकिन मैं जब भी अपनी बेटी की आंखों में झांक कर देखती हूँ ना, मेरे सारे दर्द सारी परेशानियां एकदम से एवेपोरेट हो जाते हैं। All the bitterness just seems to leave me. और एक अजीब सी अनजान सी मगर मीठी खुशी जाग जाती है मन में, और फिर एकदम से लगता है कि कौन मुंशी कैसा अपराध, does it really matter? Of course it matters. उस कमीने को तो सजा। रोहित रोहित listen. मैंने ये कहा कि ये फीलिंग मुझे तभी आती है जब मैं शाकुंतल की आंखों में झांक कर देखती हूँ। 2400 घंटे तो मैं उसकी आंखों में झांक कर नहीं देखती हूँ।
टू जस्ट रिलैक्स. वो सो रही है? हाँ सो रही है. अब आराम से सोती रहेगी, चार घंटे फुर्सत है. चार घंटे के लिए? अच्छा. मैं उसे जगाऊंगी तो नहीं, बहुत नहीं. फंसी है, रोती है वो. उस सब की कोई जरूरत नहीं है. इट्स ओके, इट्स फाइन. श्वेता चलें? मगर रोहित वो क्या इनविटेशन कार्ड नहीं दोगे मुझे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. तुम मुंडे हिला कर क्या इशारा कर रहे थे श्वेता को? इट्स फाइन रियली. देखो रोहित, हमें इतनी समझदारी, इतनी मैच्योरिटी तो होनी चाहिए ना. तुम्हारे लिए ये सब आसान होगा क्योंकि तुम अब श्वेता, लेट्स गो प्लीज. ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं है श्वेता. आई एम नॉट दैट ग्रेट कि मैं मुस्कुराते हुए. लेट्स गो प्लीज. आई एम सॉरी अमृता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शादी में इन्वाइट नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें बुलाने के लिए मेरा तुमसे दूर रहना बहुत जरूरी है. आई होप यू अंडरस्टैंड. I understand. तुम्हारी पर्सनल लाइन पे कितनी देर से फोन बज रहा है? कांट यू हियर? मुंशी. हाँ डॉक्टर औरानी, कहिए क्या बात है? हैं? देखिए आप जो मुनासिब समझते हैं वो कीजिए. मैंने कहा आप जो ठीक समझते हैं वो कीजिए. हाँ तो दीजिए ना शॉक ट्रीटमेंट, मुझे पूछने की क्या जरूरत है? यू डू वॉट एवर यू फील प्रॉपर. ओके, बार बार फोन करके मुझे मत तंग कीजिए. और सुनिए, अगर शॉक बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है पापा की और उनको कुछ हो गया तो उनका क्रियाक्रम भी आप ही कीजिए. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझे? विरासत, मुंशी खानदान की महान विरासत, पास्ड ऑन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन. हॉस्पिटल्स, एस्टेट्स, ऑयल मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स और मुंशी परिवार का ये महान पागलपन. मैं जस्ट शट अप. तुम, तुम्हारा बाप और तुम्हारे चाचा तो. यू जस्ट शट अप नाउ. क्यों, इज़न्ट इट ट्रू? तुम्हारा बाप पिछले कितने सालों से पूना के पागलखाने की वजह से शिज़ोफ्रेनिक नेक्रोफिलियाक पर्वर्ट. ये है तुम्हारा बाप जिसने तुम्हारी माँ के मौत के बाद 3 दिन तक उसके मृत शरीर को. बकवास है सब कुछ, कुछ नहीं ऐसा हुआ है, बकवास है. डिनाए, डिनाए. कल कोर्ट में तुम्हारा केस चलेगा तब भी कह देना कि तुम बेकसूर हो. लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी. मैं डिक्लेयर कर दूंगी कि तुमने ही. ऐसा कुछ नहीं करोगी? कहूंगी कि सदियों से तुम्हारे खानदान में चला आ रहा है ये पागलपन. अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना माया तो बता दो सबको कि किस तरह तुमने और मैंने सुरेश का. बहुत बुरी तरह से फंस जाओगी. वो तुम्हें सुरेश की बीवी थी तब भी फंसी हुई थी, तुमसे शादी करके भी बुरी तरह फंसी हुई हूँ. But not anymore. मैंने अपने जुर्म का इकबाल अमृता की दादी माँ के सामने कर दिया है और कल पुलिस के सामने भी कर दूंगी. इसलिए अब तुम मुझे इस बात से नहीं डरा सकते. यू आर डूम्ड मिस्टर मुंशी, बी प्रिपेयर्ड टू डाई. जी दो, इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसे पढ़ लें. ये वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जिसमें मुंशी जी ने अपने जो कुछ भी अपने कारनामे किए उसकी मॉडस ऑपरेंडी जो हमने तैयार की है वो है इसमें. एंड आई थिंक इट इज 95% एक्यूरेट. मंचिंग के लिए कुछ लाए हूं. मंचिंग? हां वो ड्रिंक के साथ खाते हैं मुझे पता है. और आप जो छुप छुप कर चुस्कियां ले रहे हैं
वो विस्की या रम की होगी ये भी मुझे पता है। अरे आप शर्मा देख रहे, पीजिए ना। इनके साथ एक पैक मैं भी ले लेता हूँ। मुझे पता था, दो ग्लासेस लाई हूँ। कंपनी देने के लिए तो चाहिए ना। हाँ तो आपका ध्यान तो बोतल की तरफ ही था, ये भी मैंने देखा। बोतल की तरफ नहीं, मैं इसकी ब्रांड देख रहा था। ब्रांड मैं भूल ही गई इंस्पेक्टर साहब, ये तो पीएचडी कर रहे हैं विस्की ब्रांड्स पर। ये मुझे दीजिए, आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप लीजिए वो चश्मा मेरा। मैं पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ। सासत नहीं तो आप। अच्छा मुंशी समझता था कि उसकी चालाकी उसे बचा लेगी, और काफी हद तक वो सही भी था। जिस तरह राजू की जेब में उसने नकली खत रखा, डॉक्टर गुप्ता का पहला नकली रिपोर्ट बनवाया, दूसरी बार खुद डिमांड करके डॉक्टर गुप्ता का नया रिपोर्ट बनवाने की मांग की, और फिर अपने ही हॉस्पिटल की लैब में कर्मचारियों की गैर हाजिरी में डॉक्टर गुप्ता के ब्लड सैंपल की जगह अपना ब्लड सैंपल रख दिया। इट वॉजेंट वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। ये तो अपने ही घर में चोरी करने जैसी आसान बात थी मुंशी के लिए। लेकिन स्वाति का शक बिल्कुल सही निकला। मुंशी वॉज टू परफेक्ट, टू क्लीन, एंड ही वॉज ए परफेक्ट सस्पेक्ट। देयरफॉर इतने बड़े बड़े अमीरों के घरों में इस तरह की गुनाह तो बड़ी आम बात है। मैं बोल रहा हूं, सुनो, किसी भी सूरत में कल दोपहर को 12 बजे से पहले सारा सामान मेरे पास भिजवा दो। नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं अस्पताल फोन करता हूं और डॉक्टर अली से अस्पताल से एक पार्सल मंगवाता हूं। बस उस पार्सल में सारा सामान छुपा कर भेज दो। नो, ये कल ही होना चाहिए, सुबह 12 बजे से पहले, क्योंकि इससे ज्यादा देर मैं जेल से बाहर नहीं रह सकता, समझे? सो दिस इज फाइनल, टुमारो बिफोर 12 o'clock और नेवर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.